बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम सजनों दे भराओ, आज तुहानू मैं देसी नुस्खा दसना है कि तुहाडे मेदे जो खराबी होंदी गी उहदी वजह तों अज मैं तुहानू नुस्खा दसना बिलकुल बेहतरीन और आसान पेट दर्द दा मोशन दा। ये जोगी बाबा स्पेशल सिर्फ तुहाडी खातर आया है ते अज तुहानू मैं दसना है भी ये नुस्खा किस तरह बिलकुल आसान जी चीज़ा है तुसीं घर विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी तुहानू दसना है, अज मैं एक सब बड़ा मुश्किल फाड़ के लाया है, वह भी तुहानू अज विखा सकदा। काला नांग है गया जी, बड़ी मुश्किल फड़िया उन्हें, वह मैं तुहानू अज विखाना है, मेरे कोल इस टाइम मौजूद है, वह तुहानू विखा सकदा। पहले तुसीं नुस्खा वेखो, नुस्खे तों बाद मैं तुहानू सप विखा सकदा। आओ तुहानू विखाइए। लो जी हुण मैं तुहानू सप विखाना है जिहड़ा मैं अज फाड़ के लाया आंदा, बड़ी मुश्किल सप नूं मैं फड़िया है। ये आ वेखो जी, इहनूं मैं पटारी दे विच बंद करके लै आंदा। साफ में फड़ा, ये बड़ी मुश्किल फड़े गए, ये रोज में जाना सी, ये नस जाना सी, बड़ा ताकतवर है, इन बड़ी मुश्किल में फड़े गए, तो इन में विकास है। तुसी अक्सर वेख देने लोग इन वेख के डर जाते हैं, डरना नहीं है। इन फड़न का तरीका मैं तुम दस है भी इन फड़ना किस तरह है, बिल्कुल आसान है लेकिन डरना नहीं है। अगर डरोगे फिर नहीं थोड़े काबू आवेगा। मैं भी बड़ी मुश्किल फड़े, मैं रोज जाता सी इन फड़न वास्ते लेकिन काबू नहीं आता सी, नस जाता सी, अज मैं इन फड़ लिया। अज मैं तुम्हें विखाना है, पहले नुस्खा वेख लो, थोड़े पेट के बारे है यानी कि पेट दर्द मोशन लग जाते उन्होंने बारे, ये तुम्हें विखास है। लो जी नुस्खा सुन लो, अगर तुम मोशन लगे हो तो तुसें अनार का छिलका लेना है। अनार का छिलका जम्मू की गिटकां ले लेने, पुदीना ले लेने, ये तीन चीजा अगर तुम मोशन लगे हो, इन तिना चीजें तुसा की करना है। ए पहले वेख लो, अनार का छिलका तकरीबन इतना लेना है, अनार का छिलका आ गया, सुखा हुआ छिलका, ए जम्मू के गिटका सुखिया हुई, ये तीन लैनिया, तीन गिटका सिर्फ, इतना कि छिलका हो अनार दा, जम्मू दे गिटका साफ कर लेने, उत्तों छिलका उतार लेना, ये सारी चीजें इन्हें पा लेनी, इन्हें तुसी कुट लेना है। छाननी ले लेनी, छाननी दे विच पा के छान लेना, इंदा पाउडर बन गया, पाउडर तुसी रख लेना। जम्मू ते अनार दे छिलके दोवें पीस के रख लेने, अगर तुहानू मोशन लगी होए तां ये चीज़ां इस्तेमाल करनी। इंदे नाल पुदीना, पुदीना तुसी इहनू रगड़ के इंदा पानी ले लेना, इंदे नाल ये इस्तेमाल करना, अद्धा चम्मच पुदीना रगड़िया होया इंदे पानी नाल, ये मैं तुहानू दस देना भी किस तरह करना है। पुदीना ले लेना, पुदीना रगड़ लेना, उबलिया हुआ पानी है इन्दे में थोड़ा जिहा मिला लेना, इन चंगी तरह रगड़ लेना। बिल्कुल इन्हों रगड़न तो बाद इन्हें पानी जोड़ा उबला हो गया से उन्हें पा देना सारा, उस तो बाद सू पौन लेना है।
एक नुकसा अपना तैयार हो गया। अगर तुम मोशन लगे हो तो ये अनार के छिलके गए जम्मू के गिटके ये पीस लिया दोवें चीज़ा यह पाउडर बन गया गया यह ना है दूसरा पुदीने का पानी है पुदीने का पानी रगड़ के पुदीने का पानी होंगे उबले हुए पानी च पाने गए इनू इन इस्तेमाल करना है सिर्फ इतनी मकदार इन्ना इस्तेमाल कर यानी कि अद्धा चम्मच इस्तेमाल करना है इनू पुदीने के पानी ने अगर मोशन लगे इो नुकसा तुम मैं डबल करके दसना है कि किस तरह अगर पेट तो कोई होर मसला है पेट रोटी आजमा नहीं आती या कोई और मसला है पेट खराब है तो मैं एक नुकसा दसना है इो चीज़ा तुम और इस्तेमाल कर सकते इन और चीज़ा तुम मैं दस दिना भी वह की इस्तेमाल करना है और तुम्मा ले लेने गए काला नमक डली वाला कालिया मिर्चें है सफेद जीरा है ये तीनों चीज़ें एक काला नमक है जी एक काली मिर्चा सफेद जीरा ये तीनों चीज़ा इंदर इंदर कौर तुम्मा सिर्फ थोड़ा जहा पा एक चुटकी सिर्फ पा चार चीज़ा कौर तुम्मा आ गया काला नमक काली मिर्च सफेद सफेद जीरा ये चार चीज़ा तुसा रगड़ लो छान ले छान तो बाद ये दोवें चीज़ें तुम अलग अलग दसियां एक काली मिर्च है काला नमक है सफेद जीरा है तो कौर तुम्मा है ये उन्होंने चीज़ों का पाउडर बना चार चीज़ों का है अनार के छिलके तो जम्मू के गिटक अगर तुम मोशन लगे तो तुम्हें यह इस्तेमाल करना है पुदीने के पानी ना अगर वैसे थोड़ा पेट खराब है या तुम कोई पेट मसला है तो दोनों चीज़ा तुम मिला के अद्धा चम्मच इस्तेमाल करना है सादे पानी उबले हुए नाल इस्तेमाल करना है पहला तो फजल ना थोड़ा पेट ठीक हो जाए पेट दर्द है तो यह चीज़ इस्तेमाल करनी तुम अगर तुम मोशन लगे तो यह चीज़ इस्तेमाल करनी यानी कि दो चीज़ा है यह चार चीज़ा दोनों चीज़ा भी तुम मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं अद्धा चम्मच सिर्फ दोनों मिला के अद्धा चम्मच अगर तुम कोई होर मसला है तो तुम डॉक्टर ना रजू करो अपना अपने मां बाप का अपने भैन भाइयों का ख्याल रखो तो जोगी बाबा इजाजत दो अल्लाह।